अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं पर्दा उठाने जा रही हूँ खुदा और मोहब्बत के चंद दिलचस्प हकाइक से। क्या आपको मालूम है कि खुदा और मोहब्बत की टीम को गुलजार महल की दीवारों में एक कील तक ठोकने की इजाज़त ना थी, ताकि महल की दीवारें ख़राब ना हो जाएं। इस सब के बावजूद ड्रामा के सेट की डेकोरेशन वगैरह सब कमाल की थी भाई, इस बात पर तो तारीफ़ बनती है। शादी के सीन की शूटिंग के लिए इकरा अज़ीज़ को 4 बार तैयार होना पड़ा। चूंकि शादी वाला सूट काफ़ी हैवी था, इस वजह से इकरा वो सूट पहनकर खड़ी रहती थी जब तक के सीन पूरा शूट नहीं हो जाता था, और बाज़ औक़ात तो इकरा को एक एक घंटा खड़ा रहना पड़ा। रुखसती का सीन 4 सीक्वेंसेस में 3 मुख्तलिफ जगहों पर शूट हुआ। रुखसती की शूटिंग बहावलपुर में हुई, तैमूर को गोली लगने वाला सीन लाहौर में शूट हुआ, और निकाह वाला सीन कराची में शूट हुआ। चूंकि ये सीन मुख्तलिफ शहरों में शूट हुए थे, इस वजह से इकरा अज़ीज़ 4 बार दुल्हन बनी और 4 बार ही SFK ब्राइडल से जोड़ा उधार मांगना पड़ा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि तमाम एक्ट्रेस को बहावलपुर ट्रैवल करना था, लेकिन फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो इन मॉडर्न अदाकारों को ट्रेन से सफ़र करना पड़ा। और आपको तो पता है कि ट्रेन कितनी देर लगाती है। ये बेचारे सुबह 7 बजे बहावलपुर पहुँचे और सुबह 10 बजे सीन शूट हुआ। और कुछ सीन्स की शूटिंग तो चलती ट्रेन में ही हुई थी, और जब बड़े सीन्स जैसे तैमूर और माही की शादी के सीन्स की शूटिंग हो रही होती, तो बाकी तमाम छोटे बड़े एक्टर्स को भी बर वक्त तैयार रहना होता था। किसी एक को लाइन्स भूली और सारा सीन ख़राब। और क्या आप जानते हैं कि अस्मा अब्बास और वसीम अब्बास एक साथ पूरे 35 साल बाद काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने PTV का एक ड्रामा साथ किया था। खुदा और मोहब्बत के 10 एक्ट्रेस के कपड़े और ज्वेलरी डायरेक्टर वजाहत हुसैन ने खुद सेलेक्ट किए थे, और माही का जानबूझकर सुर्ख रंग का सूट सेलेक्ट किया गया था ताकि दुल्हन की लुक ट्रेडिशनल लगे। व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो में अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि माही का इस सब में कोई कसूर था या नहीं था, या जो भी आपकी राय है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। मेरी वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।